Hello student, this is Nancy Della. I welcome you all on behalf of entire team of ATP Star, the super learning platform. Today we will discuss about the pulmonary volume and capacities. Students, you know air always moves from higher pressure to lower pressure. Inspiration ke time air kahan aa rahi hai, bahar se andar aa rahi hai. To iska matlab atmospheric pressure zyada hai as compared to intrapulmonary pressure. During expiration air kahan se ja rahi hai, andar se bahar ja rahi hai. To iska matlab jo intrapulmonary प्रेशर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की. सबसे पहला है टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होती है जो नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम, नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम एक्सचेंज होती है. द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग. नॉर्मल ब्रीदिंग का मतलब है व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्सरसाइज. तो नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पर जितनी एयर एक्सचेंज हो रही है, इनहेल हो रही है और एक्सहेल हो रही है, हम उसको क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम. सो टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? टाइडल वॉल्यूम होती है 500 ml. लेकिन सारी की सारी 500 ml गैसेस एक्सचेंज के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करती. 500 ml में से सिर्फ 350 ml गैसेस एक्सचेंज के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, हिस्सा लेती है, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलर एयर. जो 150 ml बच जाती है, जो 150 जो ml है वो 150 ml रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ही ट्रैप रहती है. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब क्या है? प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ठीक है. देन दिस 150 ml डज नॉट टेक पार्ट इन गैसियस एक्सचेंज और इसको हम बोलते हैं DSV. DSV का मतलब क्या है? डेड स्पेस वॉल्यूम, ठीक है. जो कहां पर रहती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, यानी कि प्राइमरी ब्रोंकियाई, सेकेंडरी ब्रोंकियाई, टर्शियरी ब्रोंकियाई, ठीक है. तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम का मतलब है द अमाउंट ऑफ एयर दैट इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग इज टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम 500 ml होती है. 500 ml में से 350 ml ही सिर्फ गैसेस एक्सचेंज के अंदर पार्ट लेती है, जिसको हम एल्वियोलर एयर बोलते हैं, और 150 ml रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ही रहती है, जिसको हम बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम. डेड स्पेस वॉल्यूम किसी भी रेस्पिरेशन या किसी भी गैसेस एक्सचेंज के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करती, ठीक है. अब सेकंड है, सेकंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है. फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आती है, इसको ध्यान रखिएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होते हैं? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो एयर होती है जो फोर्सफुल इनहेल की जाती है. नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल इनहेल किया, नॉर्मल इनहेलेशन में कौन सी आई? टाइडल वॉल्यूम, ठीक है. अब फोर्सफुल इनहेलेशन में जो एयर आई उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्सफुल इनहेलेशन, ठीक है. मतलब एक बार नॉर्मल ब्रीदिंग किया, नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या आई? टाइडल वॉल्यूम. उसके बाद फोर्सफुल जो इनहेलेशन, जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग उसके बाद फोर्सफुल इनहेलेशन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का अमाउंट होता है अराउंड 2500 से लेके 3000 ml, ठीक है, समझ में आया. थर्ड है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज फोर्सफुली इनहेल्ड ओवर टीवी, ठीक है. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी द टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड. टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. टोटल अमाउंट कौन सी होगी? टोटल अमाउंट होगी टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम इनहेल होगी, उसके बाद फोर्सफुल इनहेलेशन. फोर्सफुल इनहेलेशन को क्या बोलते हैं हम? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो ये क्या डिनोट करेगा? ये बताएगा आपको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. और टाइडल वॉल्यूम कितनी थी? 500 ml प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी है आपकी? 2500 से लेके 3000 ml, ठीक है. तो जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हुई? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हुई आपकी 3000 से लेके 3500,
3000 से 3500 ml, ठीक है, ये क्या हुई आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, क्लियर। नेक्स्ट चलते हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देखो फुल फॉर्म ध्यान रखना, फुल फॉर्म पर क्वेश्चन पूछता है नीट। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज फोर्सफुली एक्सहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। मतलब एक्सहेल किया आपने, उसके बाद फोर्सफुली एक्सहेल जितना किया, उन दोनों को मिला के आपको क्या बोलते हैं? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल एक्सहेलेशन का मतलब क्या है? टाइडल वॉल्यूम, और उसके बाद फोर्सफुल एक्सहेलेशन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अराउंड होती है आपकी 1000 से लेके 1100 ml, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है द टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल। टोटल अमाउंट कितनी होगी? मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम कितनी एक्सहेल हुई? टाइडल वॉल्यूम प्लस फोर्सफुल एक्सहेलेशन। फोर्सफुल एक्सहेलेशन का मतलब क्या है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? 500 ml, है ना, प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हुई? 1000 से लेके 1100 ml, तो ये अप्रोक्स कितना हुआ? अप्रोक्स हुआ ये 1500 to 1600 ml, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है रेजिड्यूअल वॉल्यूम। देखो रेजिड्यूअल वॉल्यूम का मतलब क्या है? फोर्सफुली एक्सहेलेशन के बाद कुछ अमाउंट जो एयर का लंग्स के अंदर बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिड्यूअल वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन उसको क्या बोलते हैं? रेजिड्यूअल वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन। फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद जो अमाउंट लंग्स के अंदर बच जाता है हम उसको क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। और इसकी अमाउंट होती है अराउंड 1200 ml, ठीक है। अब है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम होता है द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर फोर्सफुल ब्रीदिंग। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम होता है द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, ठीक है। अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। नॉर्मल एक्सहेलेशन करने के बाद जो अमाउंट लंग्स के अंदर बच जाता है एयर का उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। वो क्या होगा? देखो आपने टाइडल वॉल्यूम सुना है, टाइडल वॉल्यूम पता है। टाइडल वॉल्यूम का मतलब जो नॉर्मल एयर ब्रीदिंग के टाइम पे इनहेल और एक्सहेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। तो एक्सहेल होगी उसको क्या बोलेंगे हम? टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे? फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते थे। इसका मतलब क्या है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद मैंने क्या बोला? कुछ अमाउंट लंग्स के अंदर बच जाता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन उसको हम क्या बोलते थे? रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम कितना था? रेजिडुअल वॉल्यूम है आपका 1200, ठीक है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था 1000 टू 1100 ml, ठीक है। तो ये कितना हो गया यहाँ से?
2200 to 2300 ml. समझ में आया ना? देखो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद एयर जितनी लंग्स के अंदर बच जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम. फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद जितनी एयर बच जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम. ठीक है, तो नॉर्मल एक्सहेलेशन का मतलब उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. कुछ अमाउंट लंग्स के अंदर बच जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम. इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम. क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी का क्या मतलब है, वाइटल कैपेसिटी का मतलब है फोर्सफुल एक्सहेलेशन आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन. ठीक है, मतलब फोर्सफुल एक्सहेलेशन आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन. फोर्सफुल इनहेल, पहले नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम आएगा. ठीक है, अब क्या है, फोर्सफुल इनहेलेशन. फोर्सफुल इनहेलेशन का मतलब क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अब फोर्सफुल एक्सहेलेशन का मतलब क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी. टाइडल वॉल्यूम कितना था, 500 ml. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, अराउंड 3000 ml, 2500 से लेके 3000 के बीच में है. ठीक है, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था अपना, 1100 ml. ठीक है, अब हम इसको अराउंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4000 से लेके 4500 ml. ठीक है, समझ में आया? मतलब वाइटल कैपेसिटी क्या है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन. टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मल ब्रीदिंग है. इन IRV क्या है आपका, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुल इनहेलेशन. IERV क्या है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन. तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी. ठीक है, क्लियर हो गया. अब है आपका लास्ट बचता है जिसको हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी. ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगा, टोटल लंग कैपेसिटी टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी. टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, लेकिन कुछ अमाउंट लंग के अंदर भी प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम. ठीक है, तो ये कितना आया आपका, ये कितना है आपका, 4000 से लेके 4500 प्लस आरवी कितना है, आरवी आपका अराउंड 1200 ml. अगर हम इसको करेंगे तो ये अप्रोक्स कितना आएगा, 5700 ml. और नॉर्मल जो अडल्ट्स है उनके अंदर जो टोटल लंग कैपेसिटी अराउंड कितनी होती है, 6 लीटर. जो टोटल लंग कैपेसिटी वो ज़्यादा होती है एथलीट्स के अंदर, जो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनके अंदर. ठीक है, ये सारी की सारी क्या हमने पढ़ी, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़. अब इसका पूरा का पूरा हम समअप देखते हैं थ्रू अ डायग्राम. चलो, अब हम जितनी भी पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज अपने पढ़ी थी, अब हम इसको एक मिनट के अंदर सारा का सारा थ्रू डायग्राम समझते हैं. ठीक है, तो ये क्या है आपकी टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम कितनी, 500 ml. ठीक है, ये क्या हो गया अपना, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी थी, 2500 से लेके 3000 ml तक. ठीक है, और ये कितनी अपनी ERV. ERV का मतलब क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ये कितनी थी, 1000 से लेके 1100 ml. ठीक है, ये क्या बच गई हमारी, जो लंग्स के अंदर बच जाती है उसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम. वो कितनी, अराउंड 1200 ml. ठीक है, अब देखिए IRV प्लस TV प्लस ERV पूरा का पूरा मिला के क्या बता रहा था, वाइटल कैपेसिटी. ठीक है, अब ये क्या होगा, पूरा का पूरा वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम. वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है टोटल लंग कैपेसिटी. ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका कवर हो गया बहुत कम टाइम के अंदर. NCERT नीट पक्का से एक क्वेश्चन पक्का पूछता है, यहाँ से आपका 4 मार्क्स का बनता है. ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम बहुत ये पूरा का पूरा पल्मोनरी वॉल्यूम आपके बहुत कम टाइम के अंदर रिवाइज हो गए. नीट पक्का से पक्का एक क्वेश्चन इस पर पहुंचता है. ये वीडियो देखने के बाद आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा. हम जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपसे जल्दी मिलेंगे. टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी.